भोपाल से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा झूठ सामने आया है। साध्वी को मालेगांव धमाके के मामले में मुंबई की अदालत में पेश होना था, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो अदालत नहीं पहुंची। मगर दूसरी तरफ साध्वी महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में नजर आई। 17 मई को ही आर्डर दिया है कि हफ्ते में एक दिन सभी आरोपियों को एक्यूज को हाजिर रहना पड़ेगा। उसके अनुसार साध्वी जी आज हाजिर रहने वाली थी, लेकिन 2 दिन से उनका हाई बीपी हो गया है, सी हॉस्पिटलाइज है भोपाल में। महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी तबीयत कैसी है। उधर पंजाब की सियासत में सिद्धू को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। आज नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। सिद्धू ने फेसबुक लाइव के जरिए बताया कि वो कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। सिद्धू ने कहा कि हार का ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके सर पर फोड़ा था। हालांकि हार जीत की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, किसी एक की नहीं। मतलब सिद्धू की कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बुलाई गई चुनाव समीक्षा बैठक से भी सिद्धू गायब रहे थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ।